ऑस्टियो आर्थराइटिस या जोड़ों का घिसना उम्र दराज लोगों में होने वाली एक आम समस्या है, पर जो लोग स्पोर्ट्स में एक्टिव रहते हैं या जिनको किसी प्रकार की चोट का सामना करना पड़ता है, उन लोगों में अन्य लोगों की अपेक्षा यह आर्थराइटिस वाली जो प्रॉब्लम है वो जल्दी दिखाई देती है। इस समस्या से बचने का सबसे सही उपाय यह है कि हम अपने जोड़ का अलाइनमेंट बनाने वाली जो मांसपेशी है उनको सुदृढ़ रखें, उसके लिए नियमित रूप से कसरत और व्यायाम करते रहें। इसके साथ यह जरूरी है कि हम अपने वजन को नियंत्रित करें, क्योंकि यह देखा गया है कि जिन व्यक्तियों में वजन अत्यधिक रहता है उन लोगों के जोड़ ओवरलोडेड रहते हैं तथा उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या गंभीर तथा जल्दी आने की संभावना है। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस के इलाज की जब बात करते हैं, इसके इलाज में सबसे पहले उसकी स्टेज को तय करना महत्वपूर्ण है। अगर प्रारंभिक अवस्था के अंदर है जिसमें जोड़ का घिसना शुरू ही हुआ है, तो कुछ कार्टिलेज को बचाने वाली कॉन्ड्रो प्रोटेक्टिव ड्रग का उपयोग हम कर सकते हैं तथा साथ ही अलाइनमेंट इंप्रूवमेंट वाली एक्सरसाइज करके इस स्थिति को काफी हद तक आगे बढ़ने से रोका जा सकता है या डिले किया जा सकता है। लेकिन अगर जोड़ एक सीमा से अधिक घिस गया है तथा जोड़ के अंदर अलाइनमेंट प्रॉब्लम आने लग गई है, टेढ़ापन बढ़ने लग गया है, तो इसका एकमात्र प्रभावी इलाज रिप्लेसमेंट के रूप में सामने आता है। रिप्लेसमेंट बहुत ही प्रभावी सर्जरी है जिसके द्वारा व्यक्ति को तुरंत आराम मिलता है तथा उसका चलना फिरना बेटर हो जाता है। और जो इस एज के अंदर होने वाली कोमॉर्बिड कंडीशंस है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल का बढ़ना है, इन तकलीफों से भी वजन कम करके अपनी काफी हद तक निजात पा सकते हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए क्या जरूरी है, सबसे कि हम अपने जोड़ की सेहत को अच्छा रखें। जोड़ के लिए हम अपना न्यूट्रिशन भी इम्प्रूव रखें, साथ ही एक्सरसाइज को प्रभावी ढंग से करें और जहां आवश्यकता हो वहां कॉन्ड्रो प्रोटेक्टिव दर्द का दवाओं का इस्तेमाल करें। नमस्ते।